अभी 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। प्रभु राम के भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आप सबने देखा होगा, देखा है ना? अयोध्या का कार्यक्रम अच्छा लगा? सभी लोग सहमत थे ना? भाइयों बहनों, ये अयोध्या में प्रभु राम के भव्य मंदिर में ही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तो था ही, भारत के गौरव की प्राण प्रतिष्ठा का एक कार्यक्रम था, भारत के गौरव, भारत की जनास्था का, भारत के जन विश्वास की प्राण प्रतिष्ठा का एक कार्यक्रम था। जब सरकारें अच्छी होती है, लोक आस्था का भी सम्मान करती है, जन विश्वास पर खरा उतरने के लिए लोकतंत्र में उन भावनाओं का सम्मान करती है। भाइयों बहनों, आज से 6 वर्ष पहले बदायूं जनपद में या आसपास के जनपदों में आना सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने जैसा हुआ करता था। प्रदेश में लोग नहीं आते थे, हमारे नौजवानों के सामने आजीविका का संकट था, बेटी और बहनें स्कूल नहीं जा पाती थी, प्रदेश में हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे और पहचान का संकट भी अलग था और सुरक्षा का संकट भी अलग था। भाइयों बहनों, आज मैं कह सकता हूं हमारी सरकार को 7वां साल होने जा रहा है, लेकिन इन 7 वर्षों में प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। आज प्रदेश में दंगे नहीं होते, आज प्रदेश में गुंडागर्दी नहीं होती, आज प्रदेश जो पहले दंगा प्रदेश था वो प्रदेश आज उत्सव प्रदेश बन गया है। कहीं रामोत्सव हो रहा है, कहीं दीपोत्सव हो रहा है, कहीं होली उत्सव हो रहा है, कहीं पर बसंत उत्सव हो रहा है, अलग अलग प्रकार के उत्सव, पर्व और त्योहारों को हर्षोल्लास के साथ हर वर्ग, हर जाति, हर मत और मजहब के लोग अपने अपने भावनाओं के अनुरूप उन पर्व और त्योहारों के साथ जुड़ करके आनंद का अनुभव करते हैं। व्यक्ति नए रोजगार के साथ जुड़ रहा है, हमारे नौजवानों के जीवन में भी नया परिवर्तन लाते हुए उनके जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में आज कार्य प्रारंभ हुए हैं। और भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी की यही मंशा है,